हेलो वेलकम माय चैनल स्किल नॉलेज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हेड एंड फुटर पे है। अगर हेड एंड फुटर पे हमें वर्क करना है तो किस तरीके से होता है, हेड एंड फुटर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हेड एंड फुटर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए हमें ये पता चल सकता है कि हमारी जो पेज नंबर है कौन सा है और टॉपिक किस टॉपिक पर हमारा जो पैराग्राफ है या मैटर है वो क्या है वो बताने के लिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पेज नंबर एक ही पेज है, मेरा सिंगल पेज है, मैंने उस पर एक पैराग्राफ तैयार कर रखा है। अब अगर मुझे इस पर हेडर फुटर लगाना है तो इंसर्ट है, हम यहाँ देखिए हेडर पे आए हैं, हेडर पे आए हैं, यहाँ पे हमने हेडर लिया, यहाँ देखिए स्किल नॉलेज लगाया है अपने। देन हम फुटर पे भी आ जाते हैं इस तरीके से। ओके पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, डिज़ाइन में आए, क्लोज किया। अब मुझे हेडर भी हेडर लग गया, फुटर लगाना है तो फुटर में हमने क्या किया, पेज नंबर ले लिया यहाँ पे इस तरीके से। अब देखेंगे आप यहाँ पे पेज नंबर दिया गया, क्लोज करता हूँ मैं, इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब क्या है, अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो मुझे ये हेडिंग जो है सब पेज पे चाहिए और ये पेज नंबर जो है ये सब पेज पे अपने आप चेंज होता जाए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पेज नंबर 1 है, तो करके देखते हैं होता है। यानी कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मतलब अगर हम कंट्रोल वी करते जाएं आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आप देखेंगे। देखिए टोटल यहाँ पे 16 पेज 15 है, यहाँ देखिए 16 of 16, सब पे वो हेडिंग है, सब पे पेज नंबर अलग अलग है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप जनरेट हो जा रही है। मतलब इस तरीके से अगर हम ये प्रिंट प्रीव्यू अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए ऐसा पेज नंबर 1 है, इसके अगर मैं प्रिंट करूँ इसे तो कोई भी इसे प्रिंट करके सिक्वेंस में पेज को लगा सकता है। तो इस तरीके से हम हेडर फुटर पे काम कर सकते हैं। अगर हमें इस सबको हटाना तो हटेगा कैसे, तो उसको हटाने के लिए जैसे हम यहाँ पे अभी आते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हेडर में आते हैं, ये हेडर है, यहाँ ऑप्शन है रिमूव हेडर का। ठीक सेम वही प्रोसीजर फुटर पे आते हैं, रिमूव फुटर है। ठीक क्लोज किया इसको, अब देखेंगे कंट्रोल ए किया देन डिलीट, आप देखेंगे हेडर एंड फुटर सभी जगह से हट गया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।